एक ऐसी टेक्नोलॉजी अगर आप अपने घर पे लगा लेते हैं तो आपका घर ठंडा कर देगी। खुली धूप में पड़ा हुआ है, डायरेक्ट सन कॉन्टेक्ट हो रहा है इसके साथ, इसको आप हाथ लगा के देखें, नॉर्मल आपको टेम्परेचर इसको ऐसा लगेगा कि आपके जैसे आपने फ्रिज में रखी हुई। अच्छा, हम देखें अभी एक हम मस्जिद में खड़े हुए, यहाँ पर इनको थर्मोपोल शील्ड लगा के दी, इनका वाटर कूलर था, गर्मी को छत से नहीं आने देता, दीवार से नहीं आने देता, फर्श से नहीं आने देता। हम कहते हैं कि हमसे शीट्स ले लाता है 24 घंटे, वो फैन चलते रहेंगे, हीट चलती रहेंगे, टेम्परेचर आप पूरा ही नहीं कर सकते। आप थर्मोपोर शीट लगाएंगे, थर्मोपोर शीट लगाने से आपका टेम्परेचर कंट्रोल होगा जी। तो देखें इसके इंस्टॉलेशन का तरीका बिल्कुल आसान है। तो देखें ये मिट्टी अभी हम डाली है, ये इसको बराबर कर देंगे, बराबर करने के बाद इसके ऊपर आप टाइल लगाएं, मार्बल लगाएं। हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेके आ गए हैं, नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। आज के बाद एसी और पंखे लगाने की जरूरत नहीं होगी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी अगर आप अपने घर पे लगा लेते हैं तो आपका घर ठंडा कर देगी और 70 से 80 साल तक आप अपने घर को ठंडा कर सकते हैं, ठंडा रख सकती है। बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, पैसों की बात करें तो नहायत कम पैसों के अंदर लेके आ चुके हैं। हमजा असद भाई मेरे साथ होंगे जो आपको टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताइए ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, तो सर देखने वाले नाज़रीन को अपना तारुफ करवाइएगा। जी मेरा नाम मोहम्मद हमजा असद है, अल मदीना ईपीएस इंडस्ट्री हमारी कंपनी का नाम है और 1995 से हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में। ठीक है, तो सर आप ये बता दे, आप ऐसी टेक्नोलॉजी का दावा करते हैं कि अगर कोई बंदा इस पे शिफ्ट हो जाता है तो पूरी जिंदगी के लिए आराम पा सकता है, घर को ठंडा रख सकता है, क्या वाकई रियलिटी है इसके बारे में? जी बिल्कुल जी, ये बेसिकली इसको कहा जाता है थर्मोपोर शीट, थर्मोकोल शीट भी कहा जाता है, और इसका जो एक्चुअल नेम है वो है ईपीएस, स्टैंड्स फॉर एक्सपेंडेड पॉलिस्टायरीन। बेसिक इसका काम होता है कि हीट को रूफ से ट्रांसफर नहीं होने देता। अच्छा, जाहिर बात है जब आप एसी अपना 27 पे 26 पे रख के चलाएंगे वो जल्दी टेम्परेचर पूरा करेगा। थर्मोपोर बाहर धूप में पड़ा हुआ है, डायरेक्ट सन एक्सपोज हो रहा है इसके साथ। अभी तकरीबन यहाँ पर टेम्परेचर लाहौर में इस टाइम चल रहा है 46, 47, 45 या 43, ठीक है, जो टेम्परेचर चल रहा है। अब ये खुली धूप में पड़ा हुआ है, डायरेक्ट सन कॉन्टेक्ट हो रहा है इसके साथ, इसको आप हाथ लगा के देखें, नॉर्मल आपको टेम्परेचर इसको ऐसा लगेगा कि आपके जैसे आपने फ्रिज में रखी हुई। अच्छा, लेकिन इसके ऊपर कोई किसी किस्म का कुछ भी नहीं किया, ये प्रोडक्ट खुद ही बजाते ठंडी है। अच्छा, जब ये यहाँ बाहर पड़ी हुई ठंडी रह सकती है तो लाजिम सी बात है आपकी छत भी ठंडी कर सकती है। असलाम में देखें जी, हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि 1995 से हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाया है, मैं आपको विजिट भी करवाऊंगा। और अब लोग विजिट नहीं करवाते अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, क्यों? क्योंकि वो हमसे लेके बेचते हैं या किसी और बंदे से लेके बेचते हैं, रीसेलिंग करते हैं। हम मैन्युफैक्चर हैं पाकिस्तान में, 1995 से काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। आपके सामने देखिए कटिंग हो रही है, लाइव कटिंग हो रही है शीट्स की। अच्छा, तो सर यहाँ पे लाइव तैयार हो रही है, आप बना के क्या सेल कर रही हैं? जी हम यहाँ से बना के होलसेल पे सेल कर रहे हैं, रिटेल पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह जिस जिस कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उस तरह उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी मिक्स, उनको माल चाहिए था कि 2 इंच थिकनेस है, ये 1 इंच थिकनेस है, ये 1.5 इंच थिकनेस है, ये तीनों हम कटिंग करके उनको प्रोवाइड करें। डिफरेंट पर्पसेस हैं यूज करने के, अलग अलग तरीके कार हैं, अलग अलग जगहों पे यूज होती है। ठीक है, जैसे कि अब आप ले लें कोल्ड स्टोर ले लें, अब कोल्ड स्टोर में अब आप बाहर टेम्परेचर देखें 48 चल रहा है। हाँ, कोल्ड स्टोर में आप आलू रखते हैं, प्याज रखते हैं, केला रखते हैं या कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखते हैं, वो उसके लिए आपको टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। असलाम भाई, ये हमारी अभी कटिंग हुई है आपके सामने, पीछे जब मैं बात कर रहा था आपके साथ कटिंग हो रही थी, ये देखें इसमें 1.5 इंच की कटिंग हुई है, थिकनेस है, ये सारी शीट्स आपके सामने कटिंग हुई है, ये नीचे 1 इंच की थिकनेस है और इसके नीचे 2 इंच की थिकनेस है, ये डिपेंड करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को। ये बता दे प्राइस कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी? सर इसकी प्राइस देखें 10 रुपए पर स्क्वायर फुट आधी इंच होती है हमारे पास। अच्छा, से 125 रुपए पर स्क्वायर फुट होता है, डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं, डिफरेंट डेंसिटीज होती हैं, डिफरेंट थिकनेस होती है, डिफरेंट साइजेस होते हैं, तो हर चीज को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से कस्टमर हमारे पास वॉकिंग कस्टमर आता है उसको गाइड किया जाता है कि उसको किस पर्पज के लिए चाहिए। अच्छा, घर के लिए चाहिए, ऑफिस के लिए चाहिए, कोल्ड स्टोर के लिए चाहिए, किसी डेयरी प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के लिए यूज चाहिए, उसको उस हिसाब से गाइड किया जाता है। अब देखें जैसे गर्मी पड़ रही है, सबसे बड़ा मसला होता है हमारे यहाँ पानी बहुत गर्म है, क्यों अरसलान भाई? इसी तरह होता है, सुबह सुबह उठ के हम शावर लेते हैं, पानी बहुत इंतहा दर्जे का पानी गर्म हो गया। आपके घर की छत के ऊपर प्लास्टिक की टैंक लगा होगा, हाँ, उसको आपने ठंडा रखने, देखिए अभी हमने इसकी लाइव एग्जांपल अपने फैक्ट्री के अंदर ही की हुई है। अब देखिएगा अरसलान भाई, ये ऊपर थर्मोपोर शीट लगी हुई है,
ये थर्मोपोर शीट पानी के टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे पानी आपका टैंकी में जाएगा उसी टेम्परेचर पे बाहर निकलेगा। अब देखें पानी बिल्कुल ठंडा पानी आ रहा है यहाँ पर, आप भी हाथ लगा के देखें बिल्कुल ठंडा पानी आ रहा है। तो ये शीट लगाने का फायदा यानी कि आप गर्मियों के अंदर हमें गर्म पानी तो नहीं मिलेगा, नहीं नहीं आपको ठंडा पानी, ठंडा पानी आएगा, बिल्कुल ठंडा पानी आएगा। जिस टेम्परेचर पे आपका पानी वाटर टैंक में जाएगा उसी टेम्परेचर पे आपका पानी बाहर निकलेगा। देखिए जी नाजरीन, इन्होंने शीट लगाई हुई है टैंकी के ऊपर, यानी कि गर्मी से बचाओ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बार बार मोटर चलाने की भी जरूरत नहीं, नहीं बिल्कुल आसान तरीका लगाने का, हर कोई घर में लगा सकता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल शीट पकड़े, उसको गोल घुमाएं, ऊपर से डोरी बांध दें, रस्सी बांध दें, कोई भी चीज बांध दें, बिल्कुल आसान तरीका। अब आप मार्केट्स में होंगी 50-50 हजार की, 40-40 हजार की टैंकियां मिल रही हैं, इसको लगाएं, ये आपका तकरीबन एक टैंकी के ऊपर 1000 रुपया खर्चा आएगा, बस शायद उससे भी कम आए। तो देखें इसके इंस्टॉलेशन का तरीका बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपका लेंटर तैयार हो गया, देखें बैक साइड पे दिखाएगा अरसलान भाई, लेंटर तैयार है आपका। उसके बाद आपने शॉपर बिछाना है, पीवीसी शॉपर जिसको बोलते हैं। अच्छा, शॉपर बिछाने के बाद आप ये शीट नीचे बिछा देंगे। अच्छा, सिंपल इस शीट को नीचे बिछा देंगे। अच्छा, ये देखिएगा ये सिंपल शीट बिछी है, इसके ऊपर हम आप बोलते हैं कि हम इसके ऊपर 2 इंच की मिट्टी डालना है। तो देखें ये मिट्टी अभी हम डाली है, ये इसको बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद इसके ऊपर आप टाइल लगाएं, मार्बल लगाएं, ग्रेनाइट लगाएं, कुछ भी लगाएं। टाइल लगाने का तरीका ये बराबर हो जाएगी, इसके बाद ऊपर ब्रिक टाइल मिलती है, ठीक है, भट्टे की टाइल जिसको कहा जाता है, वो इसके पूरे सरफेस से बराबर करके लगा दी जाए। उसके ऊपर आप हल्का हल्का सीमेंट लगा दें। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जिस छत पर अभी हम खड़े हुए हैं, आप इधर गौर कीजिएगा, जिस छत पर खड़े हुए फाइनल लुक इसकी इस तरह निकलेगी, ठीक है। इसके ऊपर भी टाइल लगी हुई है, लेकिन टाइल लगी हुई कहीं नजर नहीं आ रही। टाइल इसलिए लगी हुई नजर नहीं आ रही क्योंकि उसके ऊपर इवनली सीमेंट लगा दिया गया सारा। नाजरीन आप ये देख सकते हैं बेतहाशा वैरायटी लगी है यहाँ पे, आप शीट शीट देख रहे हैं, ऐसी फैक्ट्री में आ गए हो जो आपके घर को ठंडा कर देगी और आपको गर्मियों से निजात दिला देगी। सर आप हमारे नाजरीन को लास्ट पे कुछ कहना चाहेंगे, कोई अच्छी बात शेयर करना चाहेंगे, कोई जिंदगी का राज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अगर आप ये थर्मोपोर शीट लगाते हैं तो आपको सुकून से आपकी जिंदगी गुजरेगी, जितनी बच गई है, जितनी आप गुजार चुके हैं मुश्किलात में, जितनी आपकी बच गई वो सुकून से गुजरेगी। टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, गर्मी में सुकून रहेगा, सर्दी में सुकून रहेगा। अच्छा तो सर ये बताइएगा हमारी लोकेशन कौन सी है, हमारा सिटी कौन सा है, किस जगह पे हम वाकई हैं? हमारा सिटी लाहौर है, लोकेशन हमारी है ठोकर न्याल बेग से 8 किलोमीटर टूवर्ड्स बहरिया टाउन, शाकाम चौक आता है, वहां से आप राइट टर्न करेंगे तो पंजाब सोसाइटी आएगी। पंजाब सोसाइटी के साथ है अलाइड स्कूल, अलाइड स्कूल के बिल्कुल साथ वाली हमारी फैक्ट्री है अल मदीना ईपीएस इंडस्ट्रीज, और जो मोबाइल नंबर है वो नीचे वीडियो में आपको चलते हुए नजर आ रहे होंगे। ठीक हो गया जी, हमजा भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया और आपने हमें विजिट करवाया मुख्तलिफ अशिया से जिसका नाजरीन को फायदा हो सके। तो नाजरीन आपको नंबर भी मिल जाएंगे, आप रब्ता कर सकते हैं, जल्द से जल्द रब्ता करके आप अपने घर पे टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।